गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। स्वागत है आपको मेरे ब्लॉग चैनल में। और कैसे आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हाल ही में एक पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है आदिपुरुष। ये हमारे रामायण से संबंधित दिखाया गया है, जिसमें राम, रावण और हनुमान को एक विचित्र रोल दिखाया गया है। तो दोस्तों, आप एक बार ये ट्रेलर देख लीजिए। ट्रेलर देखने के बाद आप बताइए कि ये हमारे रामायण से मिलता जुलता है। कोई भी ये बॉलीवुड वाले हो या साउथ वाले, अभी तो सही चल रहा है, लेकिन बॉलीवुड वाले जब भी हो तभी सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कोशिश करते हैं। नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अपने फिल्म के माध्यम से हमारे हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को हमेशा नीचा दिखाए हैं, हमेशा उसको झुकाने में लगे हुए हैं। तो आप ही बताएं कि अब इसको, फिल्म को बाइकआउट, हम तो बोलेंगे बाइकआउट मत कीजिए, इसको फिल्म को बैन ही कर दीजिए। क्योंकि इस फिल्म में जो दिखाया गया है, हनुमान को दिखाया गया है, इनकी दाढ़ी दिखाई गई है पर मूछे नहीं दिखाई गई हैं, एकदम मुल्ला की तरह। अब आप बताइए कि हमारे हनुमान जी को, मतलब दाढ़ी है, बिना मूछ वाले हनुमान जी कहाँ देखे हैं? आप ही बता दीजिए, बिना मूछ वाले हनुमान जी कहाँ देखे हैं? और ये रावण को देखिए, रावण ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुगल वंश का संस्थापक हो, मुगल वंश का मतलब राजा हो। हेयर स्टाइल इसका देखिए और दाढ़ी देखिए, पूरा खिलिल के जैसा मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। रावण ऐसा था? आप बताइए कि रावण ऐसा था? रावण एक महान और पंडित, मतलब महान लेखक और महान मतलब पंडित था, वो विद्वान था। और ऐसा, और इनका हेयर स्टाइल देख लीजिए, आँख में सुरमा और दाढ़ी, और इसकी सवारी देखिए। जो रावण पुष्पक विमान था, वो ऐसा पुष्पक में चमगादड़ की सवारी कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक सही है, आप ही बताइए कमेंट में करके। इस फिल्म को मैं तो बोलता हूँ बैकआउट नहीं, बैन कर दिया जाए इस फिल्म को। क्योंकि जब भी होता है सनातन धर्म को ही उंगली किया जाता है। आखिर क्यों सनातन धर्म को उंगली किया जाता है? जब भी और कोई धर्म पे, कोई टॉपिक पे कोई फिल्म नहीं बनाता है, जब भी उंगली करते हैं, छेड़खानी करते हैं सनातन धर्म से, हिंदू तो धर्म से, और हिंदू के देवी देवताओं के साथ ये लोग छेड़खानी करते हैं। जो हमारा रामायण है, आप देखी लोग बोले कि हमारा रामायण कैसा है, किस हिसाब से बना हुआ है, उसमें राम की कोमलता और मुस्कान ये सब दिखाई गई है। यहाँ से देखिए राम को कैसा दिखाया गया है, इसमें से कोमलता छीन ली गई है। रावण को इतना क्रूर दिखाया गया है, रावण इतना क्रूर तो था नहीं, रावण के अंदर इतना क्रूरता थी नहीं। तो देखिए पिक्चर को, ट्रेजर को जाकर देखिए, मैं दिखा रहा हूँ ट्रेजर को, और कैसा लगता है आपको ट्रेजर देखिए। और इस फिल्म को तो बैन ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें अब लक्ष्मण जी को दिखाया गया है, लक्ष्मण जी का दाढ़ी मूछे दिखाया गया है। कहाँ लक्ष्मण जी की दाढ़ी मूछे थी ये बताइए। तो ये फिल्म वाले जो है, जब भी बॉलीवुड वाले जो भी है, ये हमारे सनातन धर्म को हमेशा छेड़खानी और नीचा दिखाते रहते हैं। तो आप सब हिंदुओं से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन करता हूँ कि आप लोग इस फिल्म को बैन ही करा दीजिए। इस फिल्म को रिलीज डेट है 2023 में रिलीज होगी, अभी इसका ट्रेलर आया है। तो इस पिक्चर को मत देखिए, इस पिक्चर को बैन ही कर दीजिए। क्योंकि जो भी हमारे सनातन धर्म के खिलाफ उंगली या आवाज़ मतलब गलत उठेगी, हम उसको बाइकआउट या बैन ही करेंगे। तो जय राम राम, आज के लिए इतना ही। और आप लोग टेजर दिखा देता हूँ, देख लीजिए टेजर, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।